वंदे मातरम वो गीत जिसने आज़ादी के परवानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जज्बा और हिम्मत दी, वो गीत जिसने अंग्रेजी सल्तनत की चूल्हे हिला दी। ये गीत जब भी आप सुनते होंगे तो देशभक्ति में लीन हो जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई गीतकार ऐसा भी था जिसने वंदे मातरम को रिकॉर्ड करने से मना किया? जिस गीत ने गुलाम भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिला दी, जो गीत क्रांतिकारियों के लिए हथियार बना, क्या आप जानते हैं कि उस गीत को किसी ने रिकॉर्ड करने से मना किया था? वो नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जिसने आजाद भारत की पहली सरकार को वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था। वजह थी उनकी एक शर्त। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की शर्त थी कि वो इस रचना को तभी सुर देंगे जब पूरी रचना गाने दी जाएगी। दरअसल इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से कहा गया था कि वो इस रचना की कुछ शुरुआती पंक्तियां गा दे, लेकिन ओमकार नाथ अपनी शर्त पर अड़े रहे। नतीजतन 15 अगस्त 1947 यानी देश की आजादी के ही दिन मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर इस गीत को ओमकार नाथ की शर्तों पर रिकॉर्ड किया गया। जितना खास दिन था उतना ही खास गीत, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प इस गीत को गाने वाले ओमकार नाथ की कहानी। 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा में ओमकार नाथ का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बचपन में पेट भरने का संघर्ष था, तो पढ़ाई लिखाई का तो सवाल ही नहीं है। हुआ यूं कि हालातों के आगे मजबूर पंडित जी को बचपन में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालातों की वजह से भले ही उन्हें सरस्वती से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन सरस्वती तो उनके गले में वास करती थी। आवाज ऐसी जो एक बार सुन ले वो उनकी आवाज का कायल हो जाए। उनकी जिंदगी के फर्श से अर्श तक पहुंचने के पीछे भी ऐसी ही एक कहानी है। जब एक रोज एक पैसे वाले से डूंगा जी ने ओमकार नाथ ठाकुर का गायन सुना और ओमकार नाथ को संगीत की शिक्षा के लिए ग्वालियर घराने के विश्व विख्यात कलाकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के यहाँ भेजा। ओमकार नाथ का गायन सुन पलुस्कर उनकी प्रतिभा के कायल हो गए और उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। जल्द ही देश में ओमकार नाथ के गायन का डंका बजने लगा और साल 1954 में उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए देश के पहले पद्म पुरस्कार विजेताओं में उनका नाम शुमार हुआ और शास्त्रीय गायन के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1965 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था और साल 1967 को उनका निधन हो गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में वो बुलंद और स्वतंत्र आवाज आज भी जिंदा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने अपनी शर्तों पर वंदे मातरम गीत पूरा रिकॉर्ड किया। उनका जीवन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो भले ही 1967 में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वंदे मातरम गीत के रूप में उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर रहेगी।